इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट्स द डिटरमिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने का, डिटरमिनेशन करने का, उस प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करने के लिए कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी जब अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारना चाहेगी तो प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने से पहले उसका प्राइस हमको फिक्स करना होता है। तो प्राइस को फिक्स करने से पहले कंपनी क्या करेगी, काफी सारी चीजों को एक साथ देखती है। पहली बात ये देखती है कि मुझे प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आ रही है। अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो प्राइस भी उसी के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपनी कॉस्ट से प्राइस को कम नहीं रख सकती। मान लो कॉस्ट हमको पड़ रही है प्रोडक्शन की 100 रुपए, तो कंपनी वो प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं है ना कि 99 के अंदर या 95 के अंदर सेल कर देगी। क्या होगा, उस प्रोडक्ट को कंपनी 100 रुपए से ऊपर में ही सेल करने वाली है, प्रॉफिट का मार्जिन भी रखेगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर फिक्स कॉस्ट, स्टाफ की सैलरीज, वेरिएबल कॉस्ट, काफी सारे और खर्चे भी होते हैं जो कंपनी को देखने होते हैं। तो किसी भी कंपनी को जब अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना है तो उसको अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट भी देख लेनी चाहिए कि उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हुए इंप्लॉइज को सैलरी देने के, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, कुछ और खर्चे जो भी कंपनी के अंदर हो रहे हैं, एक एक रुपए का हिसाब किताब कंपनी के पास होना चाहिए। उसके बाद ही उसको क्या करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना चाहिए। दूसरी बात, डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट। अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो आप प्राइस को ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। पर अगर इसका उल्टा है तो आपको प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। मान लो सप्लाई तो बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है, मतलब मांगने वाले कम है उस प्रोडक्ट को, और माल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा उतरा हुआ है, तो कंपनी क्या चाहेगी, अपने प्रोडक्ट को फटाफट सेल करना चाहेगी क्योंकि डिमांड तो बहुत कम है। तो हमको क्या रखना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट के अंदर कम रखना होगा। तीसरी बात, प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटिव फर्म्स। हमने इस के अंदर मार्केट के अंदर देखना होता है कि कंपटीशन कैसा चल रहा है, क्योंकि कभी कभी गला काट वाला प्रतियोगिता चल रही होती है। गला काटने वाली इतनी कंपटीशन चल रहा होता है कि कोई भी कंपनी सामने वाली अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम रख देती है। 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, प्राइस रख दिया 101 रुपए, तो हमको भी सामने वाली कंपनी को देखकर, सामने वाली फर्म को देखकर अपने प्रोडक्ट का प्राइस वैसे ही फिक्स करना होगा। क्योंकि अगर हम सामने वाली कंपटीशन की फर्म्स को देखकर अगर अपना प्राइस नहीं रखते हैं तो हमारा प्रोडक्ट कोई खरीदने के लिए नहीं आएगा, सामने वाली कंपनी का प्रोडक्ट ही सेल होगा। तो किसी भी कंपनी को जब अपने प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करना है तो कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव फर्म्स के प्राइस को भी हमने देख लेना चाहिए कि उन्होंने अपना प्राइस क्या फिक्स किया हुआ है। अगली जो बात है, परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। तो कोई भी प्रोडक्ट हमारा मार्केट के अंदर तब बिकेगा जब कस्टमर्स के पास परचेज करने की पावर होगी। तो कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस आप फिक्स करने जा रहे हो तो आपको ये देख लेना चाहिए कि आपके उस प्रोडक्ट के लिए सामने वाले कस्टमर्स कितना रुपया पे करने के लिए रेडी हैं, उनकी परचेजिंग पावर कितनी है, कितना परचेज कर सकते हैं, कितनी पैसा वो खर्च कर सकते हैं। तो सामने वाले कस्टमर की हमें परचेजिंग पावर का भी पता होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसी कम्युनिटी के अंदर उतर रहा है जो रिच फैमिली से रिलेटेड है तो आप उनसे कोई भी पैसा वसूल कर सकते हो। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट निकाल रहे हो जो गांवों के अंदर जाना है या लोकल लोकेलिटीज के अंदर जाना है या छोटे छोटे सिटीज के अंदर जाना है, छोटे शहरों के अंदर आपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो वहां पे क्या होता है, जनरली 85-90% लोगों की परचेजिंग पावर थोड़ी कम होती है, पैसा खर्च करने की कैपेसिटी कम होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट हर व्यक्ति तक, हर पर्सन तक रीच करे, हर व्यक्ति तक वो सेल हो जाए। तो हमको प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने से पहले सामने वाले कस्टमर्स की, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को देखना होगा कि उनकी खर्च करने की कैपेसिटी कितनी है। तो कोई भी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करने जा रही है उनको इन सारी बातों का पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए, इन सारी बातों को डिस्कस अच्छे से कर लेना चाहिए, इन बातों को ध्यान में रखकर ही हमको अपना प्राइस फिक्स करना चाहिए।